है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण वन वन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का पूजन किया करे, हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे, मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गाने लगी। मथुरा से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ की कुंज गलियों में भगवान कृष्ण ने तमाम लीलाएं की है। इसी वृंदावन के रमन रेती में राधा और कृष्ण का बाकी बिहारी मंदिर बना है। इस मंदिर की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी मान्यता है। दूर दूर से भक्त यहाँ आकर बाकी बिहारी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। इस मंदिर से जुड़ी ऐसी तमाम रोचक बातें जिनके बारे में शायद आप ना जानते हों। तो फिर दोस्तों चलिए आज हम आपको बताते हैं बांके बिहारी मंदिर के बारे में। रंगी मोहन के रंग मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगे, वो तो गली गली हरी। श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट के अंतराल पर पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि उनकी छवि को लगातार प्रेम पूर्वक एक तक निहारते रहने से वे भक्त की भक्ति के वशीभूत होकर उनके साथ चले जाते हैं। तो चलिए अब आपको हम दर्शन कराते हैं श्री ठाकुर जी मंदिर का। बांके बिहारी मंदिर के जो प्रांगण है उसका, यहाँ पे ही लाखों श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त करने के लिए आते हैं और ठाकुर जी के दर्शन को पा के अपने जो भी उनकी इच्छाएं रहती है वो मांगते हैं। यहाँ पे दान, बड़ी बड़ी दान पेटियां भी लगी हुई है, इसी में अपने जो भी है ठाकुर जी के सामने इच्छाओं को डालते हैं, अपने जो भी उनकी इच्छा है उसको पत्र में लिख दिया, जो भी मांगना चाहते हैं उसको लिख दिया, दान पेटी में डाल दिया उस इच्छा को, या वहाँ पे ठाकुर जी स्वयं खड़े होते हैं और गर्भगृह के अंदर ठाकुर जी अपने दर्शन देते हैं। वहीं पे साथ में ठाकुर जी के श्री हरदासी एवं राधा रानी भी हैं और आपको दर्शन करने मिलेंगे बगल में। जबकि गर्मियों का समय रहता है तो 7:30 से लेके 12 बजे तक, 12 बजे आरती होती है और शाम को 5:30 से लेके 9:30 तक, 9:30 बजे शाम को आरती होती है। कोरोना काल के बाद अब फिर से जब सारी चीजें खुल गई तो लगता है कि वैसे जो है अब श्रद्धालु और फिर से वही भीड़ जी। अभी कुछ दिनों पहले ही, अभी जैसे आपने देखा होगा जब जन्माष्टमी का समय आया था तो कुछ यहाँ पे बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी, 2 लोगों की जान भी चले गई थी, तो इस कदर भीड़ हो जाती है। परंतु आज के समय में जो प्रशासन है उनने कड़ाई बरती और आप सभी देख सकते हैं कि कैसे व्यवस्थाएं अच्छी होती जा रही हैं और आपको दर्शन करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। परंतु ये है कि भीड़ लाखों करोड़ों के उसमें उमड़ती आ रही है, जब से वो जन्माष्टमी में दिक्कत हुई है लोगों के अंदर डर भी बैठा हुआ है कि उनके साथ वो फिर से घटना ना घटे, परंतु चिंता की कोई बात नहीं है
और भीड़ भी कंट्रोल में रख रही है पुलिस वाली। यहाँ पे कर्मचारी भी अपने पूरी प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी को कोई कष्ट ना आए। प्रशासन के अब क्या इंतजाम है यहाँ पे? सर्वप्रथम यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, महिलाओं को एक जगह, पुरुषों को एक जगह भेजा जा रहा है और लाइन से खड़ा किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं खड़ा किया जा रहा है ताकि किसी को भी कष्ट हो सके। और यहाँ पे जितना संभव हो सके उतना स्थान बनाया जा रहा है जिसके कारण से किसी को सफोकेशन ना हो। गवर्नमेंट के पहली ये नियम है। दूसरा ये है कि आपको थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा। एग्जिट गेट 2 बनाए गए हैं, पहला है 4 नंबर और दूसरा है गेट नंबर 1, जिससे आपको एग्जिट करना है। पहले ऐसा होता था कि कभी कभी कोई व्यक्ति बड़ा आ गया या कोई ऐसा है व्यक्ति जिसको जल्दी में जाना है तो वो गेट नंबर 1 और 4 से भी चला जाता था, परंतु आज की डेट में वो गेट नंबर 1 और 4 से नहीं जा सकता। ये एक एग्जिट गेट बन गया है और एंट्री गेट है गेट नंबर 3 और गेट नंबर 2। यहाँ से ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस वाले और लंबे उसमें स्तर पे जाके 100-200 मीटर और आगे दूर जाके एक व्यवस्था बना रहे हैं, जिसकी वजह से जितनी भी पब्लिक है बहुत अच्छे से। ये जितने भी हमारे बड़े बड़े यजमान हैं, ठाकुर जी के बड़े बड़े भक्त हैं, भक्तगण, यजमान हम नहीं कहेंगे, ठाकुर जी के जितने बड़े प्रेमी हैं, उन्होंने ये चांदी को दान किया था और फिर बंगाल से जो शिल्पकार थे वो आए, उन्होंने यहाँ पे इसको डिज़ाइन दिया है इस चांदी के वर्क को, ताकि ठाकुर जी और ठाकुर जी का मंदिर जो है, गर्भगृह है, वो और सुंदर दिखे। परंतु ठाकुर जी से सुंदर क्या कह सकते हैं, लेकिन भक्तों की श्रद्धा इसी में थी कि वो ठाकुर जी के लिए कुछ करें। तो उन्होंने अपने तरफ से कुछ भेंट चढ़ाई, किसी ने चांदी चढ़ाई, किसी ने सोना चढ़ाया। आप जैसे देख सकते हैं ठाकुर जी की देली पे सोना भी लगा हुआ है, सोने के स्वास्तिक बनाए गए हैं, सोना और चांदी दोनों का ही प्रयोग किया। मथुरा वृंदावन में बहुत सारे मंदिर है, लेकिन सबसे प्रमुख मंदिर इसी को माना गया है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ सर्वप्रथम ठाकुर जी से जो भी इच्छाएं मांगी जाती है वो तो पूर्ण होती है। और कहते हैं वरहा पीडम नटवर भूकर्णयो कर्णिकारम विभ्रत भाषा कनक कपिशम भेजयंती च बालान रंध्रान वेणो रदर सुदया पूर्णयन रूप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद मणम प्रावृषित गीत कीर्ति। जो ठाकुर जी हैं वो वृंदावन की गलियों में नंगे पैर, पहले तो चलते नंगे नंगे पैर, और साथ में उनके जो गोपी ग्वाल हैं, जो गौए हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, वो भी चलती हैं। तो ये इनकी ठाकुर जी की पहली ये कथा है। और दूसरी कथा ये है कि जो भी मैंने आपको बताया कि 400-500 साल पहले ठाकुर जी निकले हैं, तो ठाकुर जी की सेवा स्वयं हरदास जी करते थे, जिनका स्वरूप ललिता सखी का था। जब ठाकुर जी इस धरती पर स्वयं थे तो ललिता सखी थी जिनका जो आज रूप लेके आए हैं, वो हरदास जी हैं। और इनको आशीर्वाद भी था कि जहाँ जहाँ पे ये रहेंगे वहाँ वहाँ पे ठाकुर जी की जो ख्याति है वो बहुत बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि ये ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे। इसी कारण स्वामी श्री हरदास जी के जितने भी ये भवन हो गया, हमारे बाकी बिहारी मंदिर हो गया, बहुत प्रमुख कहा जाता है। ऐसे तो प्रमुख सारे ही मंदिर हैं। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा समस्त भक्तों से कि आप ऐसी व्यवस्थाएं खुद ना करें, आप खुद इतना धीरे धीरे चले आराम आराम से। पहले ये प्रयास ना करें कि पहले मैं जाऊँ कोई और जाए, क्योंकि तो सभी भक्तगण आ रहे हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। सभी हमारे लिए इक्वल है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे वो एक मंत्री जी ही क्यों ना हो, चाहे वो पुलिस वाले ही क्यों ना हो, सब हमारे लिए इक्वल है। तो हम चाहते हैं कि आप भी ऐसा करें, आप सब लोग लाइन वाइज आएँ, जो एक साथ भीड़ इकट्ठी होती है, प्रयास करें अपनी तरफ से दिक्कत ना हो, और ये कोशिश करें कि जितना जितना हो सके प्रशासन की सहायता करें, जो प्रशासन वाले कहें उनके साथ रहें। जैसे एग्जिट गेट पे कई लोग प्रयास करते हैं कि एग्जिट गेट से हम प्रवेश करें,
ऐसा कृपया ना करें, इससे प्रशासन को भी दिक्कत हो सकती है, हम भक्तगणों को भी दिक्कत हो सकती है, यहाँ मंदिर के कर्मचारियों को भी दिक्कत हो सकती है। इस वजह से आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भक्तगण प्रशासन की सहायता करें। जय बिहार। मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई।